नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आकाश आनंद के विवादित बयानों के बाद से ही सियासत गर्मा रखी है। आकाश आनंद ने जब से बीजेपी पर विवादित टिप्पणियां की हैं, उसके बाद से ही आकाश आनंद की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है या फिर उनको उनके पद से निष्कासित कर सकती है। दरअसल बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने प्रदेश सरकार को गद्दार व आतंकियों की सरकार बताने और वोट मांगने आने वाले अन्य दलों के नेताओं समर्थकों को जूता मारने जैसी कई तमाम बातें कही थी। ये बयान उन्होंने सीतापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया था। प्रदेश सरकार को बुलडोजर सरकार कहे जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से सवाल कर रही है, लेकिन ये वास्तव में बुलडोजर की नहीं गद्दारों और आतंकवादियों की सरकार है। ये बातें बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाल ही में राजा कॉलेज मैदान में कही है। हालांकि इसके बाद अब कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि आकाश आनंद का पद जा सकता है या कहें कि मायावती आकाश आनंद का पद छीन सकती है। तो अगर उन्होंने ये पद छीना तो दलितों का जो वोट बैंक बनाया जा रहा है उस पर अब सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आकाश आनंद एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वो दलितों को साधने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उनकी जनसभा में जितने वादे हो रहे हैं वो दलितों को साधने के हो रहे हैं, वोट बैंक बनाने के हो रहे हैं। तो अगर आकाश आनंद को पद से निष्कासित किया जाता है तो दलितों का जो वोट बैंक है, दलितों से जो वोट्स लेने की जो एक 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 तरीका जो चल रहा है, एक जोरो आजमाइश जो चल रही है, उस पर पूर्ण विराम लग सकता है। तो अगर मायावती आकाश आनंद के खिलाफ ऐसा कोई भी एक्शन लेती हैं, ऐसा कोई भी रुख अपनाती हैं, तो आने वाले समय में किस तरह से सियासत घूमेगी, किस तरह से सियासी समीकरण बदलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से मायावती अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती आकाश आनंद के खिलाफ अब एक तगड़ा एक्शन ले सकती हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।